नमस्कार, वेलकम टू कुकिंग विद अंकित। मैं सुप्रीति आपका कुकिंग को इनकरेज करने के लिए आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अचारी पराठा। अचारी पराठा बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ 2 कप गेहूं की आटा, थोड़ा सा एप्पल की अचार, कोई भी अचार चलेगा। मेरे पास एप्पल की अचार था इसीलिए मैंने एप्पल की अचार यूज कर रही हूँ। पराठा सेकने के लिए ऑयल 1/4 टीस्पून, नमक और थोड़ा सा पानी आटा गूंथने के लिए। सबसे पहले मैंने एक प्लेट में आटा, नमक एक साथ में मिक्स करूंगी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने इसको गूंथ लूंगी। मैंने आटा गूंथ कर डो बना लिया है। अब मैंने इस डो से छोटा छोटा पोर्शन में डिवाइड कर लूंगी। डो को डिवाइड करने के बाद इसको मैंने अपने हाथ से अच्छे से लोई बनाऊंगी। ऐसे मैंने सारे लोई को बना लूंगी। लोई बनाने के बाद मैंने इसको बेल लूंगी। मैंने बेल लिया है। अब मैंने एक नाइफ से इसके सेंटर से और साइड से एक ट्रायंगल की काट मार्क लगाऊंगी और 1/2 टीस्पून अचार लेके इसमें स्टफिंग करूंगी। मैंने अचार को इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अब मैं इसके सेंटर से एक कार्ड लगाऊंगी और इसको ट्रायंगल के शेप में फोल्ड करूंगी। फिर चकला घुमा के और एक बार फोल्ड करूंगी। फिर चकला घुमा के और एक बार फोल्ड करूंगी। अब मैं इसको बेल लूंगी। थोड़ा सा आटा लगा के बेल लूंगी। ये पराठा बच्चे को बहुत पसंदीदा है। मैं इसको बेल लिया है। ऐसे ही सारे पराठा तैयार करूंगी और फिर इसको फ्राई करना है। पराठा बेल के तैयार करने के बाद अब मैंने इसको गरम तवा में डाल रही हूँ। पराठा नीचे से सीक गए हैं। अब मैं इसको पलट दूंगी। पराठा पलटने के बाद इसमें थोड़ा सा ऑयल लेके इसके ऊपर ग्रीस कर दूंगी। अब नीचे की साइड भी सीख गए हैं, इसको पलट दूंगी और नीचे की साइड में भी थोड़ा सा ऑयल लेके इसको ग्रीस कर दूंगी। ग्रीस करते टाइम थोड़ा सा दबा देने से पराठा फूल जाता है। अब इसको फिर से पलट दूंगी और एक बार पराठा को पलट दूंगी और नीचे की साइड सेक लूंगी। पराठा बन गए हैं। पराठा के ऊपर ब्राउन स्पॉट आ गए। अब मैंने इसको निकल लूंगी। मैं दूसरा पराठा को फ्राई करूंगी। ऐसे ही मैंने सारे पराठा को फ्राई करूंगी। अचारी पराठा रेडी है। आप इसको ट्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए प्लीज मेरा कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।